जाने जाना रब दा फैसला। अच्छा नेहा, तुम्हें बीएस के बाद फॉरेन एमएस में एडमिशन लेना है। टाइम वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? तो घर जाके ही पता चलेगा। और हमारा लंच? नेक्स्ट वीक कर लेंगे। माँ से बोल देती, वो चली जाती उनके पास। ये अब माँ की जिम्मेदारी थोड़ी है, उसकी तो शादी हो चुकी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है अब। अरे भाई आदम, मैं ये रहा। ओके ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। नेक्स्ट वीक कर लेंगे, अभी आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। अब्बा का मैसेज आया है, पता है दद्दू भी घर पे नहीं है। कल कुतुब ने कहा है? जी। ठीक है, फिर तो बात माननी पड़ेगी। अबे भाई कहाँ रह गए यार? सारिम बिन जाबर की माजी का मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए सर। हाँ हाँ, अभी फर्जी रिपोर्ट जारी कर लेते हैं, बल्कि सारे थानों में जाके उसकी तस्वीर भी छपा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं सर के साथ झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हम जरूर करेंगे। फिर ऐसा करो, तुम दो चार जनों मूली के पराठे खा लो, शायद कोई सच्चा ख्वाब आ जाए। या कोई चर्सी मिल जाता है सड़क पे, शायद उसका कोई तोता हो जाए तो मैं कुछ बता दे। हाँ हाँ ओके यार, ये इसका फेसबुक अकाउंट है, इसके किसी दोस्त को जानते हो? यार वैसे ये चलता फिरता क्लॉक, इसके पास तो दो चार ही अजब किस्म के लोग होंगे, देख तो लेना। अबे ये गोभी क्या कर रहा है? ये तो जप्पी डाल रहा है सारिम को। कौन गोभी? यार वो मेरा कजन गौहर ना, वो बचपन में गोभी बहुत खाता था, तो हमने उसका नाम ही गोभी रख लिया। ये तो अच्छा हो गया, काम आसान हो गया, इसको फोन कर। वो गुलशन में रहता है। माना के हमारे गुलशन में कोई फूल नहीं खिले, लेकिन इसके गुलशन तो जा सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन मेरा फुप्पा इंतहाई कंजूस आदमी है, तो फिर बाद में नहीं कहना कि उन्होंने चाय नहीं दिया। अरे तो तेरे फुप्पे को कौन सी सलामी देनी, हमने रेस्टोरेंट लेकर चले जाएंगे इस गोभी शोभी को। चले तो फोन तो दे। दो किलो वजन बढ़ गया। ज्वेलरी का वेट होगा, इतनी ज्वेलरी पहनी है। गॉड, अब क्या होगा? सरमत, ये देखिए मेरा वजन। हेलो। आपकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया, आपके घर में आने की वजह से। एक मिनट। जी जी, क्या शॉर्ट ब्रेक? लेकिन हम में से तो कोई ने पिकनिक करने गया। अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ। वो साशा क्या शॉर्ट ब्रेक लेके घर आई क्या? मुझे नहीं पता क्यों। स्कूल से फोन आया कि दोनों जो हैं वो शॉर्ट ब्रेक लेके घर गई हैं, ये कह के कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है? सारी बात है, मेरी अम्मी तो ठीक है। मैं देख कर आती हूँ। ओह, दिमाग तो आज शॉर्ट हो गया होगा सारिम का। यार वैसे तुमने भी आखिरी हरकत कर ली आज तो। बस तो लंच करवा दूंगा ना उसे। लंच की तो ऐसी की तैसी फिर गई, और वो देख तेरा रकीब आ रहा है गर्दन लटकाए। ओह सलाम अलैकुम सर। वो नेहा आपके साथ थी ना, मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ, तो सोचा था उसको ड्रॉप कर दूं। उसे तो मैं घर छोड़ आया, कोई काम था? एक्चुअली मैं आपसे एक टॉपिक समझना चाह रहा था, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो। यार कल ऑफिस आ जाना, विल डू इट। राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड। इट्स ओके, फील बेटर। होप यू अंडरस्टैंड। I'll see you guys. Thank you. Right now, I'm feeling great. Hope you understand. Sir, मत बता रहे थे तबीयत ठीक नहीं, साशा शॉर्ट ब्रेक लेकर आई है घर। अरे उसके शॉर्ट ब्रेक की वजह से मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया है। हेलो जी, एक बात सुने, यानी बच्ची आपसे कुछ भी कहेगी तो आप मान लेंगे? अरे ना घर वालों से पूछा, ना माँ बाप से पूछा, ना कोई उन्हें घर से पिक करने आया, आपने बच्ची को रवाना कर दिया। ये एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें, वो दद्दू हैंडसम की पोती है, अगर मैंने कुछ सोशल मीडिया पे बोल दिया ना तो तूफान आ जाएगा, तूफान। लो अपनी सेल्फ प्रमोशन की दुकान फिर खोल ली इन्होंने। दद्दू कम टू द पॉइंट। अरे क्या पॉइंट पॉइंट लगा रखी है भाई, जरा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो है।
मैं अभी इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर डालता हूँ एक वीडियो बनाकर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग गई कहाँ हैं। कुछ तो जिक्र किया होगा उस मिले की बच्ची ने घर में। रात को दोनों बैठ के ना कानों में कुछ बातें कर रही थी। अपने अब्बा को फोन करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्लास में होंगे इस वक्त, नहीं उठाएंगे फोन। अब मैं सरमत को कॉल करती हूँ कि स्कूल जाके देख कर आए जरा। उसे कहो मुझे भी साथ ले जाए, सेलिब्रिटी साथ जाएगी ना तो प्रेशर पड़ेगा। अरे प्रेशर कुकर ही ले जाए साथ। अरे तू तो बोल रही माता, यहाँ दिल बैठा जा रहा है उनको प्रेशर देने की। हाँ बिल्कुल परेशान मत होना, अब जाके अपनी अम्मी को तसल्ली दें। मैं स्कूल जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मैं बताता हूँ फिर। ओके ओके बाय। स्कूल जाने से क्या होगा, अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। पता नहीं कहाँ ख्वार हो रही होंगी दोनों। तुम तो मानो या ना मानो, जरूर ये ज़ॉम्बी वायरस ही वर्गला के लेके गई है हमारी मासूम मिली को। हाँ नहीं तो मैंने खुदा के वास्ते माँ के सामने बात मत कर दीजिएगा। अरे यार तुम जाओ, कहाँ उलझ रहे हो औरतों से। हाँ जी। अच्छा बाबा वो गैस का रेस्टोरेंट का बिल पे कर दीजिएगा। अम्मी प्लीज पैसे दे दीजिएगा, आज लास्ट डेट है। हाँ करा दूंगा, बिल का है वो अपना मेरे कमरे के ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद ले आऊंगा, बच्चियों की परेशानी हो रही है। भाई आदम को तो फोन करके बताओ दोनों बच्चियों के बारे में। क्या होगा उसको बताने से, कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ ना, मैं दादू के साथ स्कूल जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ फिर। उस डिस्को बुड्ढे को मत लेके जाना साथ, वहाँ जाके अपनी शौकियाँ मारनी शुरू कर देगा। बस आप दोनों दुआ करें कि बस मिल जाएगा, मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर। बच्चों को तो ऐसे कटारे खाने का शौक होता है कि दरख्त पे तो नहीं चढ़ गई। सुरमे की बातें कर रहे हो ना तुम लोग। नहीं सारे सुरमे कौन है। हाँ हाँ वही, हम दोस्त यार तो हमेशा उसे सुरमा ही कहते थे। अच्छा यार तुम नाम को छोड़ो, तुम एक काम करो उसकी सर्च हिस्ट्री खोलो और देख, कोई चीज छोड़नी नहीं है, किसी का जिंदगी भर का मामला है। बहन के लिए आया क्या प्रपोजर? अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा देखो रिश्ता जिसका भी जा रहा हो तुम एक काम करो उसके करतूत बताओ, और देखो तुम्हें टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मेरे नाम को छोड़ो, उसकी गारंटी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अगर मेरी सगी बहन के लिए भी उसका प्रपोजर आता ना तो कसम खुदा की आंखें बंद करके हाँ कह देता। मतलब आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट और इंतहाई सेंसिबल लड़का है वो। यार मतलब कोई स्मोकिंग, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब कोई गंदी चीज? नॉट एट ऑल, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। मतलब यार कोई लड़की, कोई मोहब्बत, मतलब कोई वो क्या संडे को डोंकी रेस पे जाता है, वो चिंगम डेस्क के नीचे चिपकाता है, कुछ बता। कुछ भी नहीं बाबा, उल्टा हमें दिन रात समझाता था कि एक्सरसाइज करो, पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ, इतना कुछ। बहुत अच्छा लड़का। यार आपस की बात है, इतने बोरिंग बंदे के साथ इतना टाइम कैसे गुजारा? हाँ बंदा तो थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंसान बहुत कमाल है। चल भाई उठ, और मजीद कमालात नहीं सुन सकता मैं। जी नानू। हाँ साशा और मिली कैसे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? रास्ते में बताता हूँ। यार पापा घर पे हैं और सॉरी मैं तुम्हें चाय कॉफी के बारे में कुछ नहीं पूछ। नहीं नहीं गोभी बस हम चलते हैं यार। ओके गोभी गोभी जो भी। अरे यार कब तक ख्वार होते रहोगे सड़कों पे, मेरी मानो तो पुलिस स्टेशन जाओ, वक्त गुजरता जा रहा है। जी जी बस मिली की एक फ्रेंड रह गई है, उसकी तरफ जाके पता करेंगे फिर जाते हैं। बस दुआ करें कि पुलिस स्टेशन जाने की नौबत ही ना आए। नहीं नहीं उस्ताद अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है, तुम उल्फत बेगम को सहारा दो, उसे तसल्लियां दो। ठीक है ओके। ये रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवा रहे लोग? अरे भाई जरा ढूंढ ढांढ के कराएंगे ना। मैं पता करता हूँ कुतुब के घर। ये आदम कहाँ रह गया है? पहुंच गया होगा वो भी कुतुब महल हाजिरी लगाने, वही तो सगे उसके। यहाँ तो सब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इतने घंटे हो गए, कहाँ गई हैं बेवकूफ लड़कियाँ? शॉर्ट लीव का मतलब तो यही है कि जहाँ भी गई हैं अपनी मर्जी से गई हैं। तनी क्या सूझी थी उन बेवकूफ लड़कियों को? आंटी की तबीयत कैसी है? तुम्हें किसने बताया? मुझे पता था। नहीं तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो आदम ले जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास। नहीं उनको एंटी एंजाइटी दे दी है, वो सो रही हैं। ओके शुक्र है उस्ताद शागिर दोनों को यूनिवर्सिटी से घर आने का ख्याल तो आया, या टेंशन में हालत खराब हुई भी है? मैं तो उमर के साथ एक दोस्त की तरफ गया हुआ था और मुझे तो किसी ने बताना ही गवारा नहीं किया। क्या क्या मतलब? भाई जब मैं घर में आया तो पता चला कि बच्चियां गायब हैं और उल्फत की तबीयत काफी खराब है। क्या बात कर रहे हैं, आपने तो मुझे मैसेज किया था कि अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने मुझे इल्हाम होगा। अब्बा जरा फोन दीजिएगा अपना।
क्या हो गया, अंदर नहीं जा रहा क्या? नहीं, अब्बा मारेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहता, आप आओ मेरे साथ आओ। ये लीजिए, आ गई अभी चलनी। इसकी कोनी पे क्या हुआ है? टूर्नामेंट जीत के आ रही है कराटे का, लेकिन जिसको हरा के बाद में उसी से कुट खा ली। ये टूर्नामेंट गई भी थी? जी जनाब, वहीं से बाजियाब करवाए, इनकी सहेली ने बाद में इनके शाप किया, ये दोनों मिलके वहां गई हैं। आइए आइए, इधर आइए। नहीं नहीं अब्बा, मैं यही ठीक हूँ। तुम बता के नहीं जा सकती थी? मिली ने मना किया था कि किसी को बताएंगे तो कोई जाने नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन मेरी सिंह ने करवाई थी। चलो फिर से तुम दोनों का ब्लेम गेम शुरू हो गया। जाओ नेहा, इसको लेकर जाओ इसकी अम्मा के पास, इसकी शक्ल दिखाओ ने, ताकि उनकी जान में जान आए। चलो अंदर, सारा दिन बर्बाद कर दिया। सर आपको क्या हुआ? अरे बस वो दांत में दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर खाता हूँ। सब चले गए? नहीं नहीं, हम हैं ना, इधर देखो सुल्तानिया, आओ हमारे पास बैठो, आओ। चलो यहाँ जमघटा मत लगाओ, सब अपने घर चलो। चलो भाई चलो, चलो मेरे साथ करो ना, चैंपियन हो ना तुम, चलो और मेरे साथ करो। अरे चलो भाई चलो चलो चलो। ये तो अब्बा के मैसेजेस है ना, जो उनके फोन पर डाका मार के की उस सीनियर सिटीजन ने। क्या मतलब? भाई जानबूझकर उसने बर्बाद किया मेरा और सारिम का लंच। क्यों? अब इस क्यों का जवाब तो वही जानता है कि कौन सा कीड़ा काट रहा है उसे। नेहा तुम उससे बात करो ना। क्या बात करूं? 20 साल तुमने दुश्मनी निभाई है और उसने यू-टर्न क्यों ले लिया? अच्छा तुम बोल तो मैं बात करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं देख लूंगी उसे। अब झगड़ा मत कर लेना कोई। इन टेक्स्ट मैसेजेस का तो हिसाब उसको देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। अरे आदम, चक्कर क्यों, तुम्हारी भाभी कहाँ पे? फोन कर ले। अरे यार फोन किया था, फोन नहीं उठा रही, शायद साइलेंट पे होगा फोन। तुम नेहा की तरफ जाके चेक कर लो ना। थोड़ा वेट कर ले, आ जाएगी। अरे वेट ही तो नहीं होता ना पगले, बहुत परेशान थी वो। मैं सोचा उसके लिए दूध तो लेंगे ना, ठंडा शरबत बनाऊंगा उसको, रिलैक्स हो जाएगी। हम भी परेशान रहते हैं, हमारा भी कभी ख्याल रखते हैं। तुम तो वैसे ही बहुत ठंडे आदमी हो। तुम जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अब्बा को बिल्कुल नहीं बताना आदम वाली बात। किस खुशी में? यार अब बात कुछ और है, मेरे ससुराल की बात है, सब खराब हो जाएगा। चलो जी गई भैंस पानी में, अब उसको ससुराली बनने का भी मार्जिन देना पड़ेगा मुझे। देखो तुम बात करोगे तो अब्बा का दिल भी तो खराब होगा ना। उसने सोचा था ऐसी घटिया हरकत करने से पहले? नेहा प्लीज यार। देखो माँ, खुजली अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान हमेशा दूसरे का ही होता है, ये तो पता है ना तुम। भाभी वो सरमत भाई बुला रहे हैं। प्यारी भाभी आप जाइए, प्यारे देवर आप रुकिए। काम है? हाँ हाँ बहुत जरूरी। नेहा जाने दो उसे। तुम जा रही हो या तुम्हारी बोरी तैयार करवाऊं? हाँ जी, बहुत शौक है तुम्हें मेरा बाप बनने का। क्या मतलब? दिखाऊं मैं अब्बा कोई मैसेजेस तुम्हारे? हाँ उनको भी पता चले उनका मोस्ट फेवरेट मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट के कारनामे। I'm sorry. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? और मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा उसके साथ जाना। आदम अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, जरा मेरे साथ चलो डेंटल क्लिनिक। क्यों क्या हुआ सर? यार वो दाढ़ में दर्द मेरा बढ़ गया है, इससे पहले के मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मैं जरा डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। चलें सर, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। अच्छा चलो। अब भाई आपको थैंक यू, आ जाओ। और मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा उसके साथ जाना। बाजी ये जमीन पर क्यों गुस्सा उतार रही है? तुम्हारा सर तोड़ के भी उतार दूंगी। बाजी अभी कम डांटे पड़ी हैं कि आप भी मुझे डांटना शुरू हो गई हैं? तुम्हें क्या जरूरत थी मिली की बातों में आने की? अल्लाह की कसम उसने मुझसे ना मिनते करवा करवा के रजिस्ट्रेशन करवाई थी। हाँ और सारा गंद अब तुम्हारे सर पे डाल दिया, पूरा का पूरा खानदान सेल्फिश है। आज के बाद तो मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। बाजी याद आया, दलिया बना दे अम्मी के लिए। ये मनुज दलिया कैसे बनाते हैं? सर मत भाई से पूछ। अरे नहीं भाई छोड़ो, पूरा का पूरा खानदान सर पे चढ़ के नाच रहा है, यूट्यूब से देख लूंगी रेसिपी। बाजी मेरे लिए नूडल्स भी बना दीजिएगा,
इस मिली के चक्कर में पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। माशाल्लाह, इतनी डांट खाने के बाद अभी भी कोई चीज खाने की गुंजाइश है क्या? चुप करके चिप्स खाओ, वो ड्रॉर में पड़े हुए। उस मिली की बच्ची से ना सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। तसल्ली से ढूंढे ना, मिल जाएगी। मैंने यही रखी थी, कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन रखी कहाँ थी आपने? आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर रखी थी जब मलिया की कॉल आई थी। हाँ, मुझे भी कुछ याद तो आ रहा है। मैं तो फौरन अम्मी के पास चली गई थी उनकी बीमारी का सुनकर, यहाँ छोड़कर सब कुछ। पता नहीं कहाँ गई फिर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी। मेरे ख्याल में माँ हमें अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, क्या पता इन्हें कुछ पता हो। सब खैरियत तो है ना अम्मी? वो माँ की जो मुंह दिखाई की जो रिंग थी ना गोल्ड की, वो गुम गई है। रखी कहाँ थी आंटी? मैंने यहीं पर रखी थी लेकिन कहीं कहीं भी नहीं मिल रही। कोई कोई रूम में आया था? नहीं नहीं, रूम में तो कोई भी नहीं आया। अच्छा पापा, वो गैस का रेस्टोरेंट का बिल पे कर दीजिएगा। अम्मी पैसे दे दीजिएगा, आज लास्ट डेट। हाँ करा दूंगा, बिल का है वो अपना मेरे कमरे के ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा, बच्चियों की परेशानी हो रही है। शर्मा तुम जल्दी से आओ, तुम्हारी नाना तुम्हें बुला रही है, बात करनी है तुमसे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बात सुनो। क्या हुआ अम्मी, खैर तो है? तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि सुल्तान फिर हाथ की सफाई दिखा गए। अम्मी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो अब उनके अलावा उस रूम में और कोई गया ही नहीं है। याद करो जब तुमने उन्हें गैस का बिल जमा कराने का कहा था, और उन्होंने कहा था कि वो खुद जाके ले लेंगे। हेलो जी। नहीं नहीं, आप मत आए सारे, अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है, वो बस साशा की वजह से टेंशन में थी जी। कल चलते हैं हम लोग लंच पे। ठीक है, ओके बाय। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल लंच पर जा सकती हूँ, अब्बा की तबीयत वैसे ही खराब है, तुम दोबारा मैसेज कर देना। नहीं। प्लीज मत जाओ। क्या हो गया तुम्हें, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। क्यों ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। दो दिन के बुखार को तुम प्यार समझ रहे हो? अब तो हो गया है, तुम जो भी कहो। और शुक्र करो कि मैं जोश के साथ होश में भी हूँ, क्योंकि तुम मेरी जगह होती ना तुम बहुत कुछ कर चुकी होती। सॉरी आदम, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसे फजूल काम नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं निकलती है ये मोहब्बत टाइप की चीजों की, इसलिए मुझे माफ कर। मोहब्बत अगर सोच समझ कर करने वाला काम होता तो मैं सारी दुनिया के सामने झुक सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। इससे अंदाजा लगा लो कि मेरे अंदर का क्या हाल है। तुम्हारे लिए मेरी अना कुछ भी नहीं। अगर आपको पता है ना प्लीज बता दे। मैं तुम्हें शक्ल से कोई चोर या डाकू लगता हूँ? तभी तो बोल रहा है, हरकतें तो तुम्हारी ऐसी रही हैं सारी जिंदगी। क्या जौहर लिया है हमने,
ऐसा हीरा मिला हम लोगों को तो बस। तो क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, सामने बात करें, मेरे जोर से बात करें। इससे ज्यादा और क्या सामने आके बात करूं, तुम्हारे अलावा और गया कौन था कमरे में? अरे तो कमरे में क्या, बहू की अंगूठी चोरी करने गया था। पुलिस सुन लेगी तो सुन लेना, उसे पता चले कि घर में सुसर की औकात क्या है, कोई भी चीज गुम होती है झट से मेरा नाम आ जाता है। दिमाग माउफ हो गया मेरा। लो एक अंगूठी पे दिमाग माउफ हो गया, खुदा ना खास्ता पूरा सेट गुम हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तुम्हें। अभी कोई मजाक करने वाली बात है, ये मर्दों की कोई सीरियस लेने वाली बात भी नहीं है। अरे तुम्हारी माँ की तरह कोई रख के कहीं भूल गई होगी, वैसे ही बाप ने हिटाची देके घर से रुखसत कर दिया था। लो अब फिर से वही पहाड़ पढ़ने बैठ गया। पहाड़े तो अब तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, बल्कि छठी का दूध याद आ जाएगा, एडमिशन करा दिया उसने तुम्हारा। बस बस अब शुरू होगी रेस्टोरेंट की असल बर्बादी। भाई आप लोगों से बात करना ही बेकार है। लगा लो सब शर्त, अंगूठी उसी कमरे से ही निकलेगी, देख लेना। हम से नहीं लगाई जाती है फजूल शर्तें वर्ते। शुक्रिया, मैं भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेरोजगार हूँ, चोर नहीं हूँ। हाँ सब कुछ मिल जाता है मुझे अपने वक्त पे, और भी बहुत कारोबार शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी, ऐसे ही नहीं रहूंगा मैं। इल्जाम लगाते रहते सब मुझ पे, यही एक कसम रह गई थी घर में। मोहब्बत अगर सोच समझ कर करने वाला काम होता तो मैं सारी दुनिया के सामने झुक सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। इससे अंदाजा लगा लो कि मेरे अंदर का क्या हाल है। तुम्हारे लिए मेरी पना कुछ भी नहीं। हाँ वहां बोलो। नेहा आदम तुम्हारे साथ है? नहीं तो वो तो चला गया था। कितने बजे? आई थिंक 7-8 बजे तक निकल गया था वो। क्यों? वो तो अब तक घर नहीं पहुंचा। अरे वो अपने दुमछले बेस्ट फ्रेंड रूमर के घर होगा। उसको सरमत कब से कॉल कर रहे हैं, उसका नंबर भी बंद जा रहा है। चलो जी, दोपहर में बहन गायब हो गई, अब भाई गायब हो गया। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या क्या कहा नेहा ने? वो तो 7 बजे का निकला हुआ है वहां से। तो ये पिछले 6 घंटे से है कहां पे? दिन के बुखार को तुम प्यार समझ रहे हो? सॉरी आदम, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसे फजूल काम नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं निकलती है कि मोहब्बत टाइप की चीजों की। घूम रहा होगा अब्बा का चमचा। आपकी मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। आखिर कहां चला गया वो? अंगूठी की तरह ये मुद्दा भी मेरे ही सर पे डाल दो कि मैंने ही गायब किया होगा उस कीमा दान को। बस कर दे सुल्तान, आप भी खुदा के लिए शाम से पीछे पड़ गए हैं। यहाँ चोट लगी है और दिल से आ निकल रही है, देख लेना मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को साबित करके रहेगा। हाँ अरे बाबा वही बात लेके बैठ गया, किस्मत होगी तो मिल जाएगी रिंग, आप फिलहाल जाके सो जाए ना। मैं तुम्हारी नानी की तरह बेहस नहीं हूँ कि गोली भाग कर सो गई, और ये भी एहसास नहीं है कि जवान बच्चा घर से गायब है। आपके साथ कुछ झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ उसका? हाँ हाँ मुझसे ही झगड़ा हुआ है उसका, और ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है ना, ये भी मेरी वजह से हो रही है। कोरोना भी इस दुनिया में मेरी ही वजह से आया था। हाँ सब चीज का इल्जाम दे दो मुझ पे। लो देखो तो छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले जाते हैं। सरमत मेरा ख्याल है मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। आप 2 घंटे वेट कर लेते हैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अच्छा टेंशन ना लेना आ जाएगा। तो कैसे परेशानी हूँ मैं, आप लोग भी हद करते हैं भाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराए। तो भाई साहब खैर है, कोई वाली वारिस नहीं है आपका? क्या हो गया? रात के 2 बज गए। फोन ही ऑफ हो गया भाई, फोन देंगे कॉल करनी। हेलो थैंक यू।
कौन है तू? हेलो हेलो सरमद भाई, आदम बात कर रहा हूँ। अबे यार कहाँ है तू, कब से तुझे ढूंढ रहे हम? हाँ वो मैं पार्क में था और बस आंख लग गई तो। हाँ सॉरी, फोन ऑफ हो गया था ना फोन। अच्छा घर आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, टेंशन ना लें, बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक ओके। थैंक यू भाई। यानी हमारी रातों की नींदें हराम करके सुकून से बैठा है, पड़ो। यानी कि पार्क के बेंच में सो गए, क्यों? सॉरी भाई पता नहीं चला। वाह पता नहीं चला, कहीं हाई ऑक्टेन का नशा तो नहीं किया हुआ था? एक मिनट, कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? सरमद प्लीज कूल डाउन। ओके बेबी। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त सीरियस बात हो रही है, नो कूल डाउन। हाँ ये बताओ क्या चल रहा है? यानी कि पिछले 7 घंटे से 700 मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे दिमाग में आ चुके हैं, वरना फोन कर देता यार। बेटा उसे बताया तो है कि उसे नहीं याद रहा, बताना। आंटी आप परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाएं, काफी रात हो गई है। उससे पूछ तो लो उसने खाना भी खाया है कि नहीं। मैं पूछ लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाएं। सॉरी भाई। नहीं देखो मेरी तरफ, क्या बात है, कुछ छुपा रही हो मुझसे? इतने दिनों से मैं नोट कर रहा हूं तुम्हारे अंदर वो पहली वाली एनर्जी रही नहीं है, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। जो सच बोलते हैं वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, नजरें चुराते नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा भाई हूं मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है इस दुनिया में। नेहा ने कुछ कहा है? मैं जानती हूं मेरी बहन है वो, कई दफा ना वो बहुत हार्श हो जाती है। पता नहीं चला कब लड़ते लड़ते ट्रैक ही बदल गया। कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया भाभी। मुझे पता है आदम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन नेहा ना वो दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है। हर इंसान के जीने का तरीका अलग होता है, हम जबरदस्ती किसी को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो मत सोचे, लेकिन धुतकारे भी नहीं, इंसान होने का मार्जिन तो दे। सच सच बताओ तुमने कल रात आदम को क्या बोला? चलो जी चाबी देकर भेज दिया उसने तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ? बकवास नहीं करो, बहाना बनाकर आई हूँ मैं। महा तुम्हारी शादी पड़ोस में करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह और शाम यहाँ हाजिरियां लगाओ। तुम मुझे बताओ तुमने आदम के जहन में कौन सा जहर घोला है? फॉर गॉड सेक, अब ये मत कहना कि वो मेरी वजह से सारी रात खुआर हुआ है सड़कों पर। बड़ा आया मजनू 2022। तुम इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? उसमें इंसानियत नाम की चीज है, 20 साल से वो दुश्मनी निभा रहा है, अब अचानक से उसे मोहब्बत हो गई तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और मैं किस खुशी में उसे कदमों में बैठ जाऊं? कदमों में नहीं बैठो लेकिन इंसल्ट तो नहीं करो ना उसकी। अब्बा को पता चल गया ना कि उनका चहेता किस चैनल पे चल रहा है तो मेरे हाथों इसकी बोरी सिलवाना शुरू कर देंगे। अगर अब्बा को पता चला ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम उसको बता देना कि अब्बा को सारे पसंद आ चुके हैं। तुम्हें पसंद है सारे? ना पसंद करने की वजह? मोहब्बत करती हूँ उससे।
प्लीज माहा, 90% मशरक की लड़कियों की तरह मोहब्बत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शादी के लिए मैं मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को तरजीह देती हूँ। ओ भाई, तुम्हारा बाप पूरा घर सर पर उठा चुका है, देर हो रही है उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए। तभी मैं कहूँ कि ये जलजला क्यों आ रहा है। चल, आपकी प्यारी बेटी आई है, इसे खिलाएं पिलाएं, दूध पिलाएं पानी पिलाएं, मैं जा रही हूँ। बाय। आपकी तबीयत कैसी है अब अम्मी? बेहतर हूँ, मेरा तो घर ही खाली हो गया तुम्हारे जाने से। नेहा तो कह रही थी तुम्हारी शादी से नहीं कराएगी, सुबह शाम तुम यहाँ हाजिरियां देती रहो। छोड़ो उसे, वो तो पागल है। छलावे की तरह तुमसे छुप रहा है, ऐसे भाग रहा है जैसे मेरा कर्ज देना उसने। मोहब्बत भी एक कर्ज है मेरी जान, बिना सूद लौटाना पड़ती है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कर्जों के चक्रों में नहीं पड़ती मैं, और सूद से तो मुझे सख्त नफरत है। तो बख्श दो ना उसकी जान, क्या बच्चे की जान लोगी अब तुम? महा के साथ चुगली कर रहा था वो, उसको तो मैं मजा चखाऊंगी। मजा तो वो रोज ही चख रहा है, तुमसे रोज बेइज्जत होता है सुबह शाम। गया कहां वो? पता नहीं, एकदम ही गायब हो गया। यार आखिर थर्ड क्लास वाली आशकों वाली हरकतें तुमने कर ली रात को, भले क्या जरूरत थी आधी रात भी रुकने की पार्क में? यार घुटन महसूस हो रही थी घर में। तो पार्क में कौन से चिले एयर कंडीशनर लगे हुए थे? यार तुम जैसे आशकों को जो ना हर चीज का इमोशनल सीन बनाने का बहुत शौक होता है। छोड़ यार, कुतुब सर को क्या बताना है सारम के बारे में? देख ब्रो, गेंद तेरे कोर्ट में, मार दे छक्का। मतलब प्रोफेसर कुतुब को तुम पे अंधा है तुम आदे? तो क्या उनको अंधा डिक्लेयर कर दूं? देखो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। देख, ये नाजायज तरीकों से मोहब्बत हासिल करने वाला काम तेरे भाई को बहुत घटिया लगता है। तो फिर एक काम कर, भाई बन के डोली को सहारा देने पे तैयार हो जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन तो यही है कि तुम बाबिल के दुआएं लेते जाओ। नहीं, ये तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। फिर जाके सर को बता दो कि जो सारिम जो है वो बात बात पे शर्तें लगाता है कि उसके बाप ने सिफारिश करके नौकरी लगाई है, कि वो हद हराम है, कि वो सुस्त है, कि वो काहिल है, बताओ जाके। तू मेरे अब्बा का नक्शा क्यों पेश कर रहा है? यार ना करो यार, वाकई में अंकल ऐसे ही। फिर तो बड़ा हौसला है आंटी का कि इतने साल उनके साथ रही हैं। यार सर की कॉल आ गई, आज ही बताना है सारम के बारे में। भाई तुम अब एक काम कर, तुम पक्का समूह बना और उस पहलवान के बारे में झूठ बोलने के लिए तैयार हो जा। मतलब तुमने रुकना नहीं है, जाते हुए जो है ना फुल स्टॉप ना कॉमा, बस झूठ बोलते जा। मरवान आ दे। नहीं नहीं कुछ नहीं, और ये मरेगा। लड़की की तरह क्यों शर्मा रहे हो तुम? अच्छा है, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आंखें चुरा के क्यों बात कर रहे हो? चलो मिलाकर बात कर लेता हूँ। ये क्या नौटंकी लगाई रखी है पूरे खानदान में तुमने, और सुबह सुबह मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का के क्यों भेजा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो उसको क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है तुम पर? वो हैरत है, तुम बहनों को हमदर्दी भी होती है लोगों से? सिर्फ हमदर्दी ही होती है, मोहब्बत नहीं। हाँ वो तो तुम कर सकती हो, तुम्हें कंट्रोल है अपने इमोशंस पर, बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो। प्रैक्टिकल होना कोई गलत बात नहीं है, अब क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ मोहब्बत मोहब्बत खेलना शुरू कर दूं? तो सारिम के साथ क्या करती? सारिम के साथ मोहब्बत नहीं है अब्बा, उसके अलावा किसी भी एक्स वाई जेड को मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो मेरा जवाब तब भी यही होगा। तो ये एक्स वाई जेड मुझे समझ लो, दुश्मनी खत्म करो, दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। कोशिश करके निकाल लो अगर तुम निकाल सकती हो। जड़ से निकाल दूंगी, लेकिन मुझे पुराना वाला आदम चाहिए जिसके साथ मेरा कंपटीशन था। सारी जिंदगी का लुत्फ छीन लिया तुमने। सॉरी। बस ठीक है, अब हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार एज बेस्ट बडीज। डन। जब सर से मिलना है तो बाद में बात होती है। मैं सारे के साथ लंच पे जा रही हूँ। मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा।